आज जो है पावर ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम किन किन साधनों का उपयोग करते हैं और प्रत्येक छोटे बड़े कारखानों में मशीनें प्रयोग की जाती है, उन मशीनों को चलाने के लिए मोटर से या इंजन के द्वारा चलाया जाता है। तो इस पावर को मतलब जो हमको दी जाती है वो कहां से है, इंजन या मोटर के द्वारा दी जाती है। तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह देने या किसी पार्ट के द्वारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट को पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, उसे हम पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, तो कारखानों में तुमने देखा होगा कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए मशीनों को घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। तो ये रोटेशनल जो मूवमेंट दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, मोटर के द्वारा। जो एनर्जी है वो किससे मिलती है, मोटर के द्वारा मिलती है। तो ये इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है उसको हम रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके द्वारा वो मशीन जो है घूमना शुरू कर देती है और उसके पार्ट जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। ये मतलब पावर ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में है। तो इसके द्वारा हम भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों को चलाते हैं। आप टाइप्स ऑफ ड्राइव, ड्राइव दो प्रकार की होती है, नंबर एक ग्रुप कॉमन ड्राइव और दूसरी होती है इंडिविजुअल ड्राइव। नंबर एक है टाइप्स ऑफ ड्राइव में कौन सी है, ग्रुप कॉमन ड्राइव, दूसरी है इंडिविजुअल ड्राइव। तो जो ग्रुप कॉमन जो ड्राइव है उसमें क्या होता है कि देखा होगा पहले बहुत सी जगहों पर छोटे छोटे गांव बिहार वगैरह में और छोटे छोटे कस्बाओं में कारखाने लगे होते, तो उसमें एक इंजन के द्वारा कई मशीनें चलाई जाती है, जैसे चक्की है, स्पेलर है, धान कूटने वाली मशीन, पानी वाली, तो इनको एक ही ड्राइवर के द्वारा चलाया जाता था। तो ड्राइवर कौन होता था उसमें, इंजन होता था। तो इंजन के द्वारा जो है इन सारी मशीनों को चलाया जाता था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है उसमें कि सपोज करो अगर इंजन एक खराब हो जाता है, इंजन अगर मान लो खराब हो तो पूरा प्लांट ही बंद हो जाएगा, और एक मशीन भी बंद हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि इंजन को बंद करना पड़ता है। बंद करके फिर उसको जब रिपेयर मान लो, क्योंकि वो शाफ्ट से उससे अटैच है और उसी में पुली लगी होती है, इस तरीके से कुछ परेशानियां आती हैं। तो ग्रुप जो ड्राइव है, ग्रुप कॉमन ड्राइव है, उसमें ये दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है। क्या है कि अगर मान लो पूरा प्लांट बंद होता है, ठीक है, तो जैसे हमें कभी कभी एक मशीन को बंद करना होता है, तो जो बंद करना होता है तो उसमें बहुत सारी मशीनें डिस्टर्ब होती है और प्रोडक्शन का भी नुकसान होता है उसमें। इंडिविजुअल ड्राइव में क्या होता है कि प्रत्येक मशीन पर अपना एक अलग जो है मोटर लगा होता है, हर मशीन को अलग अलग ड्राइव दी जाती है। तो उससे क्या है, ड्राइव देने से जब हमें उस मशीन को बंद करना होता है तो उसके स्टार्टर या जहां से भी स्टार्टिंग की जाती है उसको हम बंद कर देते हैं, मशीन बंद हो जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए जो इंडिविजुअल ड्राइव है ये ज्यादा सबसे अच्छी है और जो ग्रुप कॉमन ड्राइव है वो उतना उचित नहीं है, क्योंकि पहले ज्यादातर यही होता था कि इंजनों के द्वारा ही ड्राइव दी जाती थी, जहां पर बिजली नहीं होती थी वहां इंजन से ही मशीनों को चलाया जाता था, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती थी। मतलब फिर आ रहा है जैसे इक्विपमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, इक्विपमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में कौन कौन से इक्विपमेंट प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें जैसे पुली है, पुली के द्वारा हम ड्राइव एक स्थान से दूसरे स्थान तक देते हैं, पुली है, बेल्ट है, गियर है, केम है, ये क्या है, इनके द्वारा गियर के द्वारा जैसे पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ज्यादा दूरी में है तो पुली के द्वारा कर देते हैं, और अगर नजदीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गियर के द्वारा कर देते हैं। केम है जहां पर हमको आवश्यकता होती है कि ऐसे ड्राइव को चेंज करना होता है, मतलब रोटरी मोशन को अगर हमें घूमने वाले एक ही दिशा में घूम रहा है तो उसको हमें अगर चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं,
केन का प्रयोग करते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की मतलब ये ड्राइव है जो जिनके द्वारा हम पुली, गियर और केन, स्प्रिंग, ये सभी जो है जितना भी है इनमें सब में ये पावर एनर्जी को मतलब पावर को ट्रांसमिट करने की विधि है। ठीक है,